जोर से और जोर से पूरी ताकत लगा। झगड़ो उसको अंदर तेज इक्साथ, उसको आग लगाओ उसके अंदर से। पंगे की स्पीड कम कर रही छोकरे। झगड़ो उसको तेज इक्साथ में और तेजी से आग लगाओ उसके अंदर से। जलाओ उसके अंदर से तेजी से आग लगाओ और जोर से। चल लगा पूरी ताकत लगा तेरी, जोर से और जोर से। झगड़ो उसको उसके अंदर से आग लगाओ तेज साथ। Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil. Qum al-laylal qaleel. Sifaka bin qasril qaleel. A'udhu al-Qur'an tartil an-nas. खींचो उसको इधर जंजीरा डाल के इधर खींच के लो उसको। मारो उसको चाकू को, मार के इधर लो उसको खींच के। हाँ खींचो उसको इधर और तेजी के साथ खींचो। मारो उसको नाला को आग लगा के उसके अंदर। मैदान में कभी नहीं को जल्दी इधर आना तो काट के दो टुकड़े करूंगा। जल्दी इधर पूरी ताकत लगा के जोर से
हुआ कमबख्त। जल्दी मैदान में आने दो और जकड़ दूंगा तेजी के साथ में, जकड़ो उसको और तेजी से आग लगाओ उसके अंदर, जल्दी इधर आ। उसको इधर ला रहे, उसको हाथ पकड़ के यहाँ ला के छोड़ मैदान में, लो उसको डालो, उसको जंजीरा लाओ, उसको तेज ला के बाहर से जंजीरा डालो उसके अंदर। बाप का राज चल रहा है, वैसा भागने को देख रहा, भाग सकता था यहाँ से। मारो उस कुत्ते के साथ, झगड़ करो उस कुत्ते से। और से छोड़ना कि नहीं छोड़ना? नहीं, नहीं छोड़ने का। चलो फिर उसको काट दिए उसको तेज के साथ में, जरा पड़ेगा तो परेशान कर रहा होने तो औरत आदमी है, पूरी ताकत लगाती जोर से। हाँ बता, कौन तो औरत आदमी है, जोर से हुमेरा के बच्चे को मार रहा था। फिर हुमेरा को कब मारना था, मास में पूनम में? अभी साल। हाँ कब? अभी मार। अच्छा इसी साल में, तो अम्मास के इसमें के पूनम में, अम्मास के बारे में। अच्छा तुझे कौन से गाँव के शमशान से, कब्रस्तान से, कहाँ से लाए? हरसुल से लाए। कहाँ से? हरसुल से। अच्छा हरसुल से लाए। हरसुल कहाँ पे है, ये कौन से शहर में है? वो तुम लोग कहाँ से आए? अच्छा और दूसरी बात, इस घर में क्या कर रहा था? मियाँ भी झगड़े लगा रहा था। और क्या क्या तकलीफा दे रहा था? सबको। अच्छा इसका मतलब तू जादूगरनी भी है? मिले आई, कौन जादू कर रही? नाम मत बोल, अभी मैंने नाम नहीं पूछा, सिर्फ इस शनाखत बताना, ये छोकरी के माँ के खानदान से क्या, बाप के खानदान से क्या, ससुराल की तरफ से जादू करने वाले किधर से? ससुराल से।
अच्छा ठीक है, झगड़ा कर उसको तेज के साथ। इससे पहले कितने बार हासिल हुआ उसके आंख पे घर पे? नाम निकला क्या? नाम नहीं निकला था, बस ऐसे छुपी करी। नाम दूसरी चक्कर में पूछूंगा मैं, अभी नाम नहीं पूछा था। आने वाले नेक्स्ट चक्कर तक नेक्स्ट राउंड में इंशाल्लाह नाम पूछेंगे। जब तक तूने सब याद करके आना रे, कौन डाले थे, कहाँ से आए थे, क्या क्या दास्तान है, सारे बातें। और दूसरे चक्कर में सब बयान करना, समझ में आया ना? चलो इसको जकड़ के रखो, ना लाया उसको मार मार के खत्म कराओ इसको तेजी के साथ में। और ये छोकरी को दवा कहीं में मिला खिलाए थे? क्या नाम है इसका? हुमेरा को दवा कहीं में खिलाए थे? अच्छा हुमेरा घर में से माँ बाप भाइयों को किसको खिलाए वाला है क्या? नहीं। अच्छा इसके मरद को भी खिलाए क्या? उसको कहीं में खिलाए? बिरयानी खाई। अच्छा और कितना टाइम हो रहा खिला के? 4 साल। 4 साल होने वाली अभी। हाँ। अच्छा और दूसरी बात, ये लड़की का जादू चलाते टाइम क्या ले गए थे? कपड़ा, बाल, मट्टी, चप्पल, क्या चीज लिए थे? कपड़ा लिए थे। कौन से कलर का था वो? लाल। काय का कपड़ा था? शर्ट का, पैंट का? शर्ट का था। कितना टाइम हो रहा कपड़ा ले जाके? 2 साल। अच्छा कपड़ा औरत ने चुराई थी कि आदमी ने? आदमी ने। अच्छा वो इनके ससुराल के तरफ का, मायके की तरफ का, किधर का है? पहले ससुराल के तरफ का। ससुराल की तरफ का, ठीक है। चलो उसको बंद के रखो तेज के साथ में, बाद में सारी दास्तानों में याद करके आके बयान करेगा। और ये बच्ची को अभी कब मारने वाला था? इस साल। और इसके बच्चे को पहले के माँ को पहले? नहीं बच्चे को मारा। बच्चे को कैसा मारने वाला था? खालिया पहले। मारिए, मार दिया। अरे कब मारा बच्चे को? अभी मारा। अरे अरे कैसा क्या मारा बच्चा हूँ? जाहिर होगा। हाँ, अब ये बच्ची को मारने वाला था। कैमरा ले, चलो इसको बंद के रखो, इसको तेज के साथ और उतारे के अंदर इसकी सारी शक्तियां जकड़ के मार मार के खत्म करो। और बच्ची को जी दवा सब उतार के अंदर जमा करके उल्टे और जुलाब लगा के बाहर निकाल के फेंको। जब तक इसको मार मार के चिंता करके मेरे सामने लाओ, बाद में उन्हें सब याद करके आके बयान करना। कैमरे वाली कैमरा, ऐसी दास्तान है कि उन्होंने क्या करे, कौन करे, क्या क्या दास्तान है, वो सब आगे तो नामा निकलेंगे। मगर ये दास्तान ऐसे एक दूसरे पे जादू टोना करना और जादू टोने करके एक दूसरे की जिंदगी खराब करके से जाना लेना। अब वो अंदर का बला क्या बयान कर रही हो कि उन्होंने उसके बच्चे को लाख कर दिया। 3 महीने का कुछ हमल था शायद, तीसरे महीने के अंदर ही उसके बच्चे को उन्होंने खा गया, मार दिया। सब बोल रहा, बयान कर रहा, इससे पहले भी मारा क्या तूने? और कितने मारा? 3 नहीं 4 मारा। अल्लाह, 4 बच्चे मारा उसके। अब ये लोगों क्या समझते थे दवा खाने को जा रहे? तो मेडिकल साइंस भी है एक अपनी जगह, अमल अमलियात भी एक अपनी जगह, हर चीज को अल्लाह ने एक अपनी अपने जगह पर अपने अपने इस तरीकों से मुकर्रर कर डाला। तुम इंजीनियर के पास जाके बोलेंगे भाई हमारा पेट दुख रहा गोली दे, तो उसका काम वो नहीं, उसका काम है बिल्डिंग का नक्शा डाल के देना तुम्हारे। डॉक्टर का काम है तुम्हारे दवा गोली देना। डॉक्टर के पास जाके तुम बोलेंगे नहीं हमारे बिल्डिंग का नक्शा बना के दो, हमको बिल्डिंग का पाया सोना बना के दो, ये सब बना के दो, वो उसकी ड्यूटी नहीं। हर चीज को एक अलग अलग तरीकों से अल्लाह ने वो बनाने वाला है, और जिसका उसको महारत हासिल रहती है हर चीज के अंदर से एक फैकल्टीज बनाने वाली अल्लाह ने अलग अलग एक मामला ऐसे बनाने वाली। डॉक्टर की फील्ड डॉक्टर की, वकील की फील्ड वकील की है। वकील के पास जाके तुम बोलेंगे कि नहीं मेरे को बिल्डिंग का नक्शा बना के दे, तो बोलेंगे ऐसा कैसा है भाई मेरे पास जमानत लेने को तुम या कोई मैटर सॉल्व कराने के लिए। हर चीज को एक अलग अलग दायरों में शुमार करके रखे अल्लाह ने बनाकर। तुम पेट दुख रहा, सिर दुख रहा, तो डॉक्टर के पास जाओ। 10-10 बार 100-100 बार जाने के बाद तुम्हारा दर्द आ पेटा या कोई भी बीमारी राइट नहीं हो रही, तो फिर समझ जाओ कि वो डॉक्टर का बस की बात नहीं है, फिर दूसरे दुनिया के वार चल रहे, फिर तुम्हारे दूसरे दुनिया के आमिल और कामिल शख्स के पास आना पड़ेगा। फिर वहां पे वो भी तुमको ओरिजिनल मिलना, डुप्लीकेट तो बहुत बढ़िया ले, ओरिजिनल के पास तुम जब जाएंगे तो वो फिर तुम्हारा ऐसा वैसे तरीके से पकड़ के हल करा के अल्लाह के हुक्म से राइट करेगा। और जरूरी नहीं कि सामने ला के हल कराना, बगैर सामने लाए के भी हल होता। सामने इसलिए लाते कि खुलासा करने के लिए। उन्होंने क्या बोला? 4 बच्चे मारा बोल के उन्होंने बता रहा अभी 4, हर 3-3 महीने में 2 महीने कितने कितने महीने मारा। ये कल भी ऐसी हाँ, ये ऐसी दास्तान रही थी। इसलिए बेहतर है कि इबादत की रस्सी को मजबूती से थामना, और इबादत तुम अगर पहले से करते रहेंगे तो तुम ये सब चीजों से, वबाओं से, बलाओं से महफूज रहेंगे, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी लिया। और तुम अगर वार चल जाने के बाद इबादत करने जाएंगे तो ये बलाएं तुम्हारे इबादत के नजदीक जाने नहीं देते, रोकते नमाज पढ़ने से, इबादत करने से, कुरान पढ़ने से। और मैं मेरे जबानी में तुम्हारे प्रैक्टिकली पूछा रहा हूँ मैं, क्या रे इसको नमाज पढ़ने देता था क्या तू? हाँ क्या करता था? बीमार करता।
क्या जोर से बोल, नमाज पढ़ते वक्त, यानी कि नमाज नहीं पढ़ना बोल, नमाज और इबादत के करीब पेशेंट जाने लगता तो क्या करता बोल रहा, वो बीमार कर देता था, नमाज नहीं पढ़ने दूंगा। जब वार चल जाने के बाद ये सब बलाएं छूट जाने के बाद तुम्हारे अंग में, उसके बाद तुम इबादत करने की सोचेंगे तो फिर तुमको मुश्किल है, उस करीब नहीं जाने देते हो। और तुम पहले से इबादत करते रहेंगे तो तुम पर वार जादू टोना का ये चीजों का असर नहीं होता। अल्लाह, फिर अल्लाह ने तुम्हारी हिफाजत की ठान लिया, और जब अल्लाह हिफाजत की ठान लेता तो किसी की कोई औकात नहीं, किसी की कोई निसात नहीं जो तुम पर जादू टोना करे और तुमको परेशान करे। और जो ना मांगे सीख वो दर दर मांगे भीख, क्यों? क्योंकि देखो अभी तुम्हारे सामने पूछा, मैंने पकड़ के उन्हें चार बच्चे मारा, उसके उन्हें खुद बोल रहा तीन तीन महीने जाया कर देता, और अब 21 साल बचा था बच्ची को हलाक करने के वास्ते, वो खुद बला मुंह से उसके बयान करी, उसको शमशान से लाए थे उन्होंने, वो बयान करा उसके अंदर है, और हरसूल के शमशान से। कैसा नहीं है, हर चीज अल्लाह ने हर चीज को क्या बोलते, तो कुरान को समझ के पढ़ो तो तुमको पता चलेगा जादू है टोना है हर चीज है। टेक्नोलॉजी साइंस है, साइंस अपनी जगह, टेक्नोलॉजी अपनी जगह, जादू टोना अपनी जगह, हर चीज अपनी अपनी जगह पे, तो उसके भी माहिर होते हैं हर चीज के अलग अलग हटाने वाले। तुम जाएंगे और जाके बोलेंगे कोई दूसरे फील्ड वाले के पास जाके तीसरा काम बताएंगे तो नहीं होता ना, जो तरीका है वो तरीके से उसके हिसाब से सब दास्तान करते हैं, सबके ऊपर और सबसे आला और सबसे अफजल अल्लाह का कलाम है। कलाम इलाही की रस्सी को मजबूती से थामना, इबादत करना, इबादत की रस्सी को तुम मजबूती से थामेंगे तो सब वबाओं से बलाओं से ये सब चीजों से महफूज रहेंगे, बीमारी दवा गोली से हट जाएंगी, और भी कुछ प्रॉब्लम रहा तो तरीकों से सॉल्व हो जाएगा, मगर जादू टोना ऐसा सॉल्व नहीं होता, उसको उसके तरीकों से काट के भस्म करना पड़ता। और जादू जादू से नहीं कटता, जादू सिर्फ इबादत 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 से कटता, और इबादत और अल्लाह वालों के पास में, बाकी शैतान का वार शैतान कैसा काटेगा, जहाँ रहमत बरसती जहाँ अजमत बरसती अल्लाह की रहमत, तो वहां से जहमत हट जाती, तकलीफ हट जाती, तकलीफ पे तुम जाके बोलेंगे तकलीफ हटाओ तो और बढ़ जाती है ना। तो ऐसी बातें हैं बहुत सारे, अल्लाह कहें सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक दे। चलो इसको ले जाओ और इसको बंद के रखो, उसको मार मार के नाला के बाद में याद करा के लाओ, सब नामा सब बयान करना, उसकी औकात बताओ, उसको मार मार के कमीने को जंजीरें डाल दो आज रात 12 बजे के बाद से उसको। क्या नाम उसका? ओए हुमेरा, ओए हुमेरा, पानी पियो मेरा। जाओ उसको बन के डालो उसको। अरे पानी पियो, ये जो पानी है सुबह शाम देख रहे इधर कैमरा मार, ये जो पानी है सुबह शाम इसको मुंह पे आम के 7 तरफ मारना, घर के अंदर 7 तरफ छिलाना, 7 बार इधर कुर्सी, 7 बार चारों कुल, हर नमाज के बाद इसको पढ़ के दम करते जाना और उस पर भी दम करना, पकड़ रहे। और ये जो है तो ये दुआ का पानी, बढ़ाना पिलाना, बढ़ाना पिलाना ज्यादा से ज्यादा, हर नमाज के बाद में जैसे पढ़ के दम करना बताओ दम कर ले। बोलो बंद लो इधर, ये लो बंद का धुआं करते जाना सुबह शाम दो टाइम करना, सुबह शाम दो टाइम धुआं देते जाना रोक दो।